हम सभी आत्मा हैं जो एक शरीर पहन के रह रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही अलग मूवी लेके आया हूँ, द फाउंटेन, जो 2006 में रिलीज हुआ था। मूवी के एक्टर है ह्यूज जैकमैन और रिसेल उइज। मूवी में तीन अलग अलग दुनिया दिखाया गया है, लेकिन मूवी में तीनों कहानी एक साथ चलते हैं। दोस्तों, ये मूवी एक बहुत ही बढ़िया साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी है। आप लोगों को ये मूवी जरूर देखना चाहिए। इस मूवी की कहानी स्टोरी भले ही सिंपल है, लेकिन इस मूवी में गहरी बात गहरी कॉन्सेप्ट छुपी है। मैं ट्राई करूंगा इस स्टोरी को आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझाने को। मूवी में पहली दुनिया है 1600 दशक की, जहाँ इसाबेल नाम के एक स्पेन में क्वीन है और उसकी एक वफादार सेनापति रहते हैं, जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। क्वीन को कुछ ही देर पहले द ट्री ऑफ लाइफ के बारे में पता चलता है, जिसके जरिए अनंत काल तक अमर रह सकते हैं। वो इसका मदद से स्पेन के लोगों का मदद करना चाहती है, इसीलिए अपनी सेनापति को द ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए भेजते हैं। अब आते हैं दूसरे दुनिया में, जहां एक साइंटिस्ट अपने पत्नी के ब्रेन ट्यूमर को ठीक करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं। वो हमेशा अपने पत्नी की बीमारी के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन उसके पत्नी हमेशा बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे जाने दो, एक दिन सबको मरना है। और इसके साथ और बोलती है, मैं मर गया तो क्या हुआ, मैं और मेरी प्यार हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे मेरी जाने के बाद भी। लेकिन वो साइंटिस्ट कभी नहीं मानता है। वो उसके पत्नी की बीमारी ठीक करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और बोलता भी है, अगर मौत एक सच्चाई है तो मैं इस बीमारी का दवा ढूंढ लाऊंगा और मौत के बाद भी तुम्हें वापस ले आऊंगा। उसके पत्नी एक नोवेल लिखती है, जिसका कहानी ठीक वही है जो पहले दुनिया का स्पेन क्वीन वाला स्टोरी था। और वो नोवेल की आखिरी चैप्टर साइंटिस्ट को लिखने के लिए देती है। एक दिन अचानक वो साइंटिस्ट ट्यूमर का इलाज ढूंढ लेते हैं। उसी दिन ट्रीटमेंट करने से पहले उसका पत्नी मर जाती है। इसके बाद वो साइंटिस्ट पागलों की तरह इंसान के मौत के बाद भी इंसानों को जिंदा कैसे किया जाता है, उसी को ही ढूंढते रहते हैं। अब आते हैं तीसरे कहानी के ओर। ये कहानी दूसरे कहानी से रिलेटेड है। 500 साल के बाद वो साइंटिस्ट मौत की तलाश में एक योगी बन के स्पेस में ट्रेवल करते हैं। वो ट्रेवल करते हैं सितारों तक, ताकि उसके पत्नी को जिंदा कर सके, वापस ला सके। अब फिल्म में इस कॉन्सेप्ट को गहरी तरीके से नहीं बताया गया है, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को गहरी तरीके से समझाने की पूरा कोशिश करूंगा। ये कॉन्सेप्ट रिलीजियस भी है और साइंटिफिक भी है। देखो, पहली बात तो ये है कि कुछ रिलीजन के टीचिंग और किताब इतने डीप से लाइफ के बारे में बताते हैं कि वो साइंस से मिलते हैं। जैसे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में कहा गया है कि एक इंसान अगर अपने माइंड को और शरीर को कंट्रोल कर लेते हैं ध्यान के मदद से, तो वो एक टाइम पे दुनिया के परे इंसानों से भी ऊपर हो जाते हैं, जिसको इस दुनिया के सुख दुख धन इन सब में कोई मोह नहीं रहता है। उसको सिर्फ डिवाइन फीलिंग होते हैं, जिसमें बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वो लोगों को ठंड में भी ठंड, गर्मी में भी गर्म नहीं फील होते हैं। लोग कहते हैं उन लोगों को महीनों तक भूख ही नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते हैं। आज भी हिमालयन में बहुत ऐसे साधु हैं जो ध्यान में हैं, और इन सब लोगों को योगी कहा गया है, योग से अपने आप को बेहतर बनाने वाले। फिल्म में भी साइंटिस्ट को भी एक योगी की तरह ही दिखाया गया है। वो अपने वाइफ के मौत के बाद मौत को जीतने के लिए योगी बन जाते हैं। फिल्म में और एक गहरी बात कही गई है पुनर्जन्म के बारे में। कुछ लोग मानते हैं कि लोग मरने के बाद उसके आत्मा यानी वो इंसान खुद एक तारों पे या स्टार पे चला जाता है, यानी उसके आत्मा एक नेबुला के अंदर रहते हैं, बाद में वो फिर से जन्म लेते हैं। नेबुला उसे कहा जाता है जो एक स्टार या तारे के अंदर गैस बन के रहते हैं। एक स्टार के अंदर का गैस के बादल को ही नेबुला कहा जाता है। एक तारे जब मरते हैं या गलते हैं, वो गैस और बादल बन जाते हैं। और साइंस में कई साइंटिस्ट एक थ्योरी को मानते हैं कि जब पहले इस दुनिया में जीव पैर इंसान कुछ भी नहीं था, तब एक टूटा हुआ तारा आके हमारे धरती से टकराए थे। उसके बाद ही वाटर में कुछ ऐसे मिनरल्स गिरे
जहाँ से बाद में इंसान बने हैं, यानी वो तारों की टूटे हुए टुकड़े ही धरती पे पहला बीज लाए थे जहाँ से ये इंसान सृष्टि हुए हैं। और इसी थियोरी को साइंस में ज्यादातर लोग इंसानों की सृष्टि का असल कारण बताते हैं। इसीलिए फिल्म में वो इंसान अपने पत्नी को जिंदा करने के लिए या वापस पाने के लिए सितारों तक ट्रेवल करते हैं। फिल्म के लास्ट में वो सेनापति को दिखाते हैं जो एक योगी बन जाते हैं और उसको द ट्री ऑफ लाइफ मिल जाते हैं। जब वो अमर होने के लिए उस पेड़ के रस को पीते हैं, उसके बाद वो खुद सेनापति पेड़ बन जाते हैं, यानी उसके शरीर के अंदर से ही पेड़ निकल आते हैं, वो उस पेड़ का ही हिस्सा बन जाते हैं। अब इस फिल्म के तीनों स्टोरी के एंडिंग कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में समझाता हूँ। एक सेनापति जो अमर होने के लिए जाते हैं, एक साइंटिस्ट जो अपनी वाइफ के पास जाते हैं जिंदा करने के लिए, वो सभी एक ही और हैं। फिल्म हमको ये सिखाते हैं कि इंसान का ये शरीर मटेरियल वर्ल्ड का हर मांस का सिर्फ चीज है, लेकिन आत्मा, इंसान का अस्तित्व, उसका याद हमेशा रहते हैं। हिंदुइज्म फिलोसफी में कहते भी है, रियल तो आत्मा है, बाकी सब कुछ भी नहीं है। हम सभी आत्मा है जो एक शरीर नाम का चीज अपने ऊपर पहनते हैं। हम जब भी मरते हैं, हम असल में मरते नहीं हैं, सिर्फ ये शरीर यानी कपड़े निकल देते हैं, बाद में फिर से दूसरे शरीर पहन लेते हैं। इसी को ही पुनर्जन्म कहते हैं। ये फिल्म एक गहरे साइंटिफिक और रिलीजियस डीप फीलिंग के ऊपर बनाया गया है, लेकिन फिल्म देख के ऐसा लगता है कि कहानी के कॉन्सेप्ट तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन डायरेक्शन प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हुआ है। इसीलिए फिल्म के कहानी कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त होने के बाद भी IMDb में रेटिंग उतने अच्छे नहीं मिले हैं जितना मिलना चाहिए। फिल्म देख के महसूस हो जाता है कि डायरेक्टर फिल्म के इमोशनल लव स्टोरी एंगल को हार्ट टचिंग बनाना चाहते थे, लेकिन लोगों को फिल्म देख के उतना फील नहीं होता है। लोग फिल्म में सिर्फ मीनिंग ढूंढते हैं, आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो ये है फिल्म द फाउंटेन के स्टोरी कॉन्सेप्ट। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो लोग ये नॉलेज पहले रख चुके हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ।